देपालपुर सिविल कोर्ट की एडीपीओ संध्या उइके ने कन्या छात्रवास पहुंचकर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवाया और उन्हें विधि संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी उपलब्ध करवाई, जिससे महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर कमी लाई जा सके। विद्यार्थी जागरूकता के लिए हर बात से अवगत करवाया। संध्या उइके ने डॉक्टर को बुलाकर विद्यार्थियों की जांच करवाई। मौके पर जाकर कन्या विद्यार्थियों से बात की तो उन्होंने भी इस प्रशिक्षण को सराहनीय बताया और वार्डन व एडीओपी को खूब सारा धन्यवाद दिया। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। शिक्षण का उद्देश्य मेरे खुद की शांति है। मैं पिछले 10 सालों से जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए काम करते आई हूं, उनके लिए मदद करते आई हूं। तो इसी पर्पज से आज मैं अपने जो सहयोगी डॉक्टर हैं उनके साथ आई थी, बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। बच्चों को गोड टच वेट टच के बारे में, मैनर्स और व्यक्तित्व विकास के बारे में और विधिक ज्ञान के बारे में इनको अच्छे से जानकारी दी है आज। और ऐसा निरीक्षण मैं साल में 2 बार या 3 बार करती हूँ और इस बार मैंने मॉडल स्कूल का हॉस्टल है इसमें और एक एसटीएससी हॉस्टल है वहां की कन्याओं को छात्राओं के साथ मैंने अपने विचार साझा किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण तो लगभग 50 से 60 छात्राओं ने किया है समय को देखते हुए, जिसमें बहुत सारी कमियां पाई गई हैं। डॉक्टर साहब खुद बताएंगे, उन्होंने अपने क्लिनिक का पता भी दिया हुआ है। लड़कियों के दांतों का क्षरण हो रहा है और उनके दांतों में कैविटी आ गई है। और मैंने जो दिया है 200 लड़कियों को अपने विचार दिए हैं और उनको बहुत अच्छा लगा है, उम्मीद है उनको बहुत अच्छा भी लगेगा। और मैंने अलग अलग टेक्निक के साथ उनके साथ अपने विचार साझा किए और उनसे मिलने की कोशिश की है। और आखिरी में अपने कार्यक्रम को मैंने मेडिटेशन के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका एकाग्रता बड़ी बनी रहे और ज्यादा पढ़ने में मन लगे, ऐसे टिप्स देकर मैंने अपने समापन किया है। ऐसा किसी भी मैडम ने अभी तक ऐसा नहीं बताया और हमको मैडम ने बहुत सारी जानकारियां दी है जो अभी तक हमें पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। और आज हमें बहुत बड़ी सीख मिली है, आज से हम जो मैडम ने बताया वो नियम का पालन करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।